छपारा जन शिक्षा केंद्र में शिक्षक बनी मनमर्जी के मारे बिना स्वीकृति आवेदन के आपसी मनमर्जी से मनाती है छुट्टी। सिवनी जिले के अंतर्गत विकास खंड छपारा के अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र छपारा के स्कूल में शिक्षकों की चल रही लापरवाही, मनमर्जी शाला में आना और मनमर्जी से चले जाना, मामला एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला गोहना और शासकीय प्राथमिक शाला सिमरिया में सिर्फ कागज में लिखे जाते हैं आवेदन, ना ही किसी अधिकारी से कराते हैं स्वीकृति, आपसी तालमेल में लगा रहे आवेदन, बच्चों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़, ऐसे शिक्षकों की मिलीभगत से हो रहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, बच्चों का शिक्षा का स्तर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। जन शिक्षा केंद्र में बैठे अधिकारी क्या ऐसे शिक्षकों पर ध्यान देकर करेंगे कार्यवाही, या तालमेल से चलती रहेगी गाड़ी। जब इस विषय को लेकर वीडियो सर से पूछा गया तो उनका कहना है कि कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्रभारी और BRC रहे ऑफिस से नदारद, सिवनी में मीटिंग होना बताया गया। स्कूलों से मरिया स्कूल है जिसपे दो शिक्षक अनुपस्थित हैं उसमें, और एक में एक शिक्षक अनुपस्थित है, जिनके हमको आवेदन भी उन्होंने दिखाए थे जिसमें कोई सी भी अधिकारी से स्वीकृत नहीं है। और उस समय हमने मौका वारदात में जन शिक्षक के भारद्वाज जी से बात की थी तो उन्हें भी जानकारी नहीं थी। सर, इसमें सर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, वास्तव में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संकुल प्राचार्य को है, और शायद ये दोनों स्कूल, चूँकि मैं भी दो दिन पहले ज्वाइन किया है, ये दोनों स्कूल कन्या छपारा के संकुल में आते हैं। मैंने संकुल प्राचार्य से चर्चा किया, उनके द्वारा भी कहा गया कि इन्होंने बिना आवेदन इन्होंने स्वीकृति नहीं किए हैं, तो संकुल प्राचार्य को मैंने नोटिस जारी करने को कहा है। यदि ये बिना आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के संस्था में अनुपस्थित हैं तो नोटिस का जवाब आने के बाद नियमानुसार इनकी अवैधनिक की कार्रवाई की जाएगी एवं सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। सर, नाम बोलिए। आपका शुभ नाम बताइए। राकेश राजा। कौन सा स्कूल है? माध्यमिक शाला गोहना। कितने शिक्षक हैं? आज यानी टोटल 6 शिक्षक। अभी कितने शिक्षक हैं स्कूल? वर्तमान में 3 हैं। 3 हैं, बाकी 3 और कहाँ गए? एक शिक्षक मीटिंग में, बाकी और 2 शिक्षक का आवेदन आया। आवेदन आया था, स्वीकृत था आवेदन? स्वीकृत तो नहीं है, सुबह यानी ग्रुप में वो मैसेज डाल दी थी मैडम ने व्हाट्सएप में। आपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी? 1:30 बज रहे हैं अभी। प्रचार को या फिर जन शिक्षक को कोई जानकारी दी? वो जो हमारे जो बड़े सर हैं उनको दे दिए, मलावी सर दिए हैं जानकारी। हाँ। आपने कि मैडम छुट्टियों में है। हाँ। उनको भी फोन आ गया था। फोन आ गया था। हाँ। तो स्वीकृत है आवेदन प्रचार से? सर स्वीकृत तो नहीं। फिर कैसे आपके यहाँ संस्था में 6 लोग हैं, 1 को मीटिंग जानी थी तो अचानक 2 लोगों की इमरजेंसी कैसे आ गई? अब सर उन्होंने तो यही बताया कि एक मैडम के शायद बेटी की तबीयत खराब है और एक और मैडम का भी स्वास्थ्य संबंध। आप जन शिक्षक से बात की इस विषय में कि क्या लगाना है CL की? क्या सर अभी तो बात नहीं हुई। कब होगी? अब अभी मीटिंग में है, अब कॉल लगा के बात कर लें।